खबर आ रही है। मंगलवार को कश्मीर के कुपवाड़ा में जिंदा गिरफ्तार आतंकी बहादुर अली से आज एनआईए पूछताछ कर रही है। कई तरह के खुलासे होंगे। बहादुर ने एनआईए से पूछताछ के दौरान लश्करे तैयबा से अपने संबंध को कबूल कर लिया है। गौरतलब है कि बहादुर अली पाकिस्तान के लाहौर का रहने वाला है। एनआईए इस वक्त उससे पूछताछ कर रही है। कुपवाड़ा में इसे जिंदा पकड़ा गया था। लाहौर का रहने वाला है बहादुर अली। नौगाम सेक्टर से इसकी गिरफ्तारी हुई थी और इसके बाद एनआईए इससे पूछताछ कर रही है। कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। खुलासा तो इसने कर भी दिया है। लश्कर ए तैयबा से इसका सीधा संपर्क रहा है। डायरेक्ट इसके कनेक्शंस लश्कर ए तैयबा के साथ है। देखिए, वैसे तो पहले भी अनेकों प्रमाण मिलते रहे ये संकेत करते हुए कि पाकिस्तान की एक भूमिका है भारत में, विशेषकर जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने में, प्रोत्साहित करने में, स्पॉन्सर करने में। परंतु जो महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है वो ये है कि पहले जब भी कोई आतंकवादी पकड़ा जाता था तो पाकिस्तान की सरकार और इस्लामाबाद की सरकार उसे डिसोन करके कहती कि साहब ये नॉन स्टेट एक्टर है, हमारा इससे कुछ लेना देना नहीं। हालांकि हम तब भी ये तर्क रखते थे कि भले ही उनके कहने के अनुसार वो तथाकथित नॉन स्टेट एक्टर हो, पर जब तक वो पाकिस्तान की धरती से हिंदुस्तान में आया है आतंक करने के लिए तो उसकी जिम्मेवारी भारत की नहीं बल्कि पाकिस्तान की सरकार की है। परंतु अब तो स्थिति यह है कि जो आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं वो स्वयं इस बात को कबूल रहे हैं, स्वयं इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि उन्हें पाकिस्तान की सरकार और आईएसआई ने भेजा है और उसके वो प्रमाण भी सामने ला रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसके बाद अब और किसी प्रमाण सबूत की आवश्यकता नहीं।